बेगूसराय पुलिस कप्तान के द्वारा नावकोठी थाना का आवश्यक निरीक्षण शनिवार को किया गया। इसमें थाना के कंप्यूटर कक्ष, मालखाना, हाजत, थाना अध्यक्ष कक्ष, इंस्पेक्टर ऑफिस आदि का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के बाद पुलिस कप्तान अवकाश कुमार ने बीटी न्यूज के संवाददाता कुमार गौरव से बात करते हुए बताया कि निरीक्षण के दौरान थोड़ी बहुत कमियां देखने को मिली। उसके बारे में नए थाना अध्यक्ष प्रशिक्षु डीएसपी मोहम्मद फकरे आलम को बताया गया है और उसे सुधारने की ताकीद की गई है। वहीं उन्होंने पूर्व मुखिया गणेश पोद्दार की हुई हत्या की घटना की चर्चा करते हुए कहा कि इसमें कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि थाना अंतर्गत कुछ नया कार्ड भी हुआ है, लंबित कांडों की समीक्षा की और त्वरित निष्पादित करने का भी दिशा निर्देश दिया। वहीं क्राइम एंड कंट्रोल ट्रेकिंग न्यूट्रल सिस्टम को पदाधिकारी व सिपाही के द्वारा लोगों को अवगत कराने के लिए सक्षम होने की बात कही। इसकी जानकारी प्रशिक्षित डीएसपी सह थानाध्यक्ष को दी गई। मौके पर एसडीपीओ बकरी ओम प्रकाश, पुलिस निरीक्षक बकरी संजय कुमार सिंह, थानाध्यक्ष मोहम्मद फकरे आलम, एसआई त्रिभुवन कुमार ठाकुर समेत तमाम लोग मौजूद थे। बीटी न्यूज बिहार के लिए कुमार गौरव की रिपोर्ट। जी, उस एक्सल के क्या पाया है, क्या निर्देश मिला कि आज नावकोठी थाना का इंस्पेक्शन किया गया और जो भी थोड़ी बहुत कमियां थी उसको प्रोफेशनल डीएसपी साहब को निर्देशित किया गया उन कमियों को सुधार लेने के लिए। कुछ अच्छे काम हुए हैं इधर, लेकिन अभी हाल फिलहाल एक जो हत्या की घटना हुई है उसको लेकर भी रिव्यू किया गया, उसमें जो प्रगति हुई है और उसमें जल्द से जल्द कार्रवाई करने के लिए भी इसमें निर्देश दिया गया है। साथ साथ जो लंबित कांड है उनकी समीक्षा की गई और उनको त्वरित गति से निष्पादित करने की उसमें उनको डायरेक्शन दिया गया है। सीसीटीएनएस जो एक महत्वाकांक्षी योजना पूरे बिहार में चल रही है उस पर भी लोगों को सिखाने के लिए जितने हमारे पदाधिकारी हैं, सिपाही हैं, उससे अवगत होने के लिए और उसको चलाने के लिए सक्षम हो पाए उसके लिए उस ट्रेनिंग को देने के लिए भी प्रोफेशनल डीएसपी साहब को निर्देशित किया गया ताकि इस दिशा में हम लोग आगे काम कर सकें। बताइए सर, दोस्त को तो आप क्या नाम? हो गया ना, ले लिया।